क्या फिर से लौट आया नेपाल का काल? जब जब किसी फाइनल मुकाबले में नेपाल क्वालिफाई करता है, तब तब ये टीम काल बनकर नेपाल के सामने प्रकट होता है। चाहे वो कोई सी भी टूर्नामेंट हो, अगर ये टीम खेल रही होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही दोनों टीम फाइनल में एक दूसरे से भिड़ते हैं। उसी तरह अब भी वही टीम के साथ नेपाल खेलने जा रहा है एक अहम मुकाबला, यानी अब ये दो टीम फाइनल नहीं भिड़ने जा रहे हैं सेमीफाइनल पर। जी हाँ दोस्तों, एसीसी प्रीमियर कप 2024 के फर्स्ट सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं नेपाल और यूएई। कई बार देखा गया है कि इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंट के दो मैच को देख लीजिए, चाहे वो एसीसी प्रीमियर कप 2023 हो या T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, दोनों ही अहम मुकाबले में नेपाल और यूएई के बीच घमासान देखने को मिला है, और ये दोनों ही मुकाबले में नेपाल ने यूएई को धूल चटाई है। लेकिन अब बारी है एशिया कप 2024 की, तो फिर से ये दोनों टीम आमने सामने होंगे। अगर आप एक नेपाली क्रिकेट प्रशंसक हैं तो आपको तो ये पता होगा कि नेपाल और यूएई के बीच किस तरह के मुकाबले देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दी टाइम यूएई नेपाल पर हावी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर बार नेपाल मैच को जीतकर यूएई को सभी टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाता आ रहा है। तो अब फिर से ये दोनों टीम आमने सामने होने जा रहे हैं। इस बार दोनों की लड़ाई इस साल एशिया कप के लिए होगी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट में नेपाल ने जिस तरह की फॉर्म दिखाता आ रहा है, आशा है कि नेपाल यूएई को भी हराकर एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन वहीं यूएई अपना पुराना हिसाब चुकता करने को देखेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिस तरह नेपाल ने यूएई को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी तरह यूएई नेपाल को 2024 एशिया कप की रेस से बाहर करने को देखेगी। और यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, आप तो नोटिस कर रहे होंगे कि जहां ग्रुप स्टेज के मुकाबले को नेपाल आसानी से अपने नाम करता है, तो वहीं जब मुकाबले की कोई नॉकआउट मैच पहुंचता है तो नेपाल के खिलाड़ी ओवर प्रेशर में मैच को लूज कर जाते हैं। तो कहीं ये मैच भी उसी तरह हाथ से निकल ना जाए। लेकिन हाल ही में एसएमएस फ्रेंडशिप कप में फाइनल जीतने के बाद और इस एसीसी प्रीमियर कप में 4 मैच जीतने के बाद नेपाल का हौसला अभी बुलंद रहा है। ऐसे में चाहे सामने यूएई हो या ईयू, नेपाल किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मैच को नेपाल अपने नाम कर पाएगा या यूएई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का बदला लेकर नेपाल का काम तमाम करेगा? आप अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। और देखते हैं अगले 19 अप्रैल को क्या नतीजा सामने आता है। इसमें दोनों टीमों के अंदर क्या क्या कमियां और क्या क्या खूबियां हैं, उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय नेपाल।